सारे आंकड़े ने लिख रहे सारे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज सब तो पहला गल करांगे कि काल सर्वयोग की तेजी कदों होंदी है, कदों इहदा प्रभाव बहुत ज्यादा तेज होंदा है। सब तो पहला तो जो भी चंडाल योग हो राहू के नाल गुरु भी बैठा हो काल सर्वयोग के चंडाल योग होंदा ते उदों काल सर्वयोग का इफेक्ट बहुत ज्यादा होंदा। फिर ग्रहण योग जो राहू के नाल सूरज या राहू के नाल चंद्रमा हो ग्रहण योग बनता है। फिर इदा ही काल सर्वयोग के जो चंद्रमा दे जो है 12वें ते दूजे भाव दे विच कोई होर ग्रह ना होवे ते केंद्रुम योग बनया होवे तद भी काल सर्वयोग बहुत ज्यादा भयानक होंदा है। जो काल सर्वयोग दे विच राहु दे नाल भोग कारक ग्रह शुक्र होवे ते अभिकव योग जड़ा हैगा भोग खंड योग बन पा रहा होवे उदों भी इदां दी प्रॉब्लम आ जाती है। जो मंगल राहु दे नाल जड़ा मिलके अंगारक योग बना रहा होवे तद भी काल सर्वयोग बहुत भयानक होंदा है। फिर इदां ही जड़तव योग होंदा जो काल सर्वयोग दे विच बुध ते राहु दी युति होवे उदों भी माड़ा होंदा है। इदां ही नंदी योग होंदा जो काल सर्वयोग दे विच राहु शनि दी युति होवे उह भी माड़ी होंदी है। सो इन्हां योगां दे विच तां इक तां स्पैशल कुंडली दिखानी ही चाहीदी है। फिर नाग पंचमी ते काल सर्वयोग दे आपां संबंध दी गल करदे हां। जदों भी काल सर्वयोग दे नाल पीड़ित इक जातक होंदा है तां असीं ज़्यादातर जिहड़ा नाग पंचमी वाले दिन जिहड़ा है यानी कि सावन की कृष्ण पंचमी की जी तारीख हैगी उदू कहते हैं कि व्रत करो तो सर्प के आकार बना के जोड़े है तुसी किसी भी कड़े के उत्ते पंचोपचार या शोरसोपचार के नाल पूजन करके गिले आटे के नाल तुसी चार मुखी दीपक बना के जला के तुसी जोड़ा है क्षमा याचना करो तो नाग पंचमी वाले दिन तुसी सुख शांति ऐश्वर्या ते बुद्धि की कामना करोगे तो ज़्यादा वधिया रहिंदा। वैसे कहा जाता है कि जिदा असं किसी नाल करते हैं उदा ही साढ़े नाल हुंदा। साढ़े जिहड़े बजुर्ग सीगे उन्हां दी एक विशेषता सीगी कि वह सप्पां नूं दुध जरूर पिलांदे हुंदे सीगे। नाग पंचमी का त्यौहार इहदा एक प्रत्यक्ष प्रमाण हैगा। सो साढ़े जिहड़े भी शास्त्र लिखण वाले हैं उन्हां दा इह कहिंदा कि जदों भी नागां नूं असीं प्रसन्न करदे हां उन्हां नूं दुध पिलांदे हां जां कदी भी दुध मिलिया होया पदार्थ विसर्जित करदे हां इदां दीआं बहुत सारीआं पुरानीआं एग्जाम्पल्स आ ते उहदे नाल नाग खुश हुंदे आ ते साडी लाइफ वधिया हुंदी आ। ते जदों तों ही हुण नवां इतिहास सामने आया तद भी असीं नाग राज दी गौरव गाथा जिहड़ी आ उह भी असीं जरूर सुणदे आ। जिदां कि पुराणां दे विच साडा जिहड़ा हैगा वख-वख इतिहासां दे उत्ते प्रकाश जो असीं पाउंदे आ तां उहदे तों पता लगदा है कि नाग पंचमी दा दिन एक ऐसा दिन हुंदा है जदों सृजन शक्ति दे निर्माता ब्रह्मा जी ने अपने प्रसाद के नाल जिहड़ा शेष नाग नूं विभूषित किया सीगा ते उदों तों ही पृथ्वी जिहड़ी हैगी आ उहनां दीआं सेवावां दे लई जिहड़ा है उह मन्नी जांदी है। कहा जांदा है कि शेष नाग दे फणां दे उत्ते ही पृथ्वी टिकी हुई है। होर गल्लां दसदी है लेकिन एक चीज़ दसदी है कि जदों भी काल सर्वयोग की प्रॉब्लम हैगी है तुहानूं टेंशन ज़्यादा हैगी है लाइफ हसल बसल हो रही है तो साडी विशेष सिद्ध कीती हुई धूनी तुहाडे लई बहुत वधिया साबित हो सकती है। एक बारी जरूर आजमाओ जे किसी ने नहीं आजमाया। सो साडी संस्कृति दे विच नागां नूं असीं शुरू तो ही बहुत ज़्यादा महत्व दिंदे हां। जिदां कहा जांदा कि सारी पृथ्वी का भार नागराज ने ही अपने उत्ते लिया होया शेष नाग जी ने। सो यह कोई होर नाग नहीं है बल्कि शेष नाग जी उही ने जिन्हां दे उत्ते एक शैया बना के विष्णु जी उहदे ते विश्राम करदे ते सारे संसार का कार्य जिहड़ा उह करदे आ पालन पोषण का। सो अमृत लाभ दे नाल मिलण वाला समुंदर मंथन जदों होया सीगा उदों भी पवित्र ते महान कार्यां दे विच रस्सी दे तौर ते शेष नाग दा जिहड़ा विशेष योगदान सीगा। नागराज वासुकी द्वारा अपना शरीर समर्पित करना इस काम दे लई बहुत ही ज़्यादा एक पुन्या ते प्रसिद्ध वाला काम सीगा। सो इदां ही जिहड़ा है बहुत सारियां होर भी बहुत सारियां कथावां मिलदियां जिदां देव माता अदिति दी सकी भैन जिहड़ी है कुद्रू उहदे पुत्तर होण ते जिहड़ा है पुत्र होण दे नाते नाग देवतावां दे अनुज छोटे भरा मन्ने जांदे सीगे जिहड़े वासुकी जी दी गल करदे आं असीं। भगवान शंकर जी नूं असीं नागेंद्र हार भी उहनां दा कहलांदे आ क्योंकि सारे सप जिहड़े आ उहनां दे शरीर दी शोभा बनदे आ। सो बहुत सारियां जिहड़ियां रचावां दे विच वी नागां दी स्तुति गाई जांदी है नागां दा वर्णन किया जाता साढ़े कई ग्रंथों के नागों की पूजा का भी विधान हैगा। सो यह कहा जाता है कि नाग कभी मिले तो उन्होंने मारो ना बल्कि उन्होंने तुम जो फड़ते हो तो फड़ के किसी जंगल च या नदी से उन्होंने छड़ दो। सो नागों का अस्तित्व जोड़ा है देवी देवताओं हमेशा वर्णन किया गया पुराणों के नागों के संबंध में जोड़ा है बहुत सारी समगरी साढ़े इतिहास के पई है। सो 80 तरह के वक् वक् नागों के जोड़े है खानदान उन्हों का वर्णन किया गया है। सो काल सर्वयोग की शांति के नागों का बहुत व्डा योगदान रहा है।
ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ? ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਓ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੱਕੇ ਰਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ। Thank you.